नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष डंगवाल गोपेश्वर पीजी कॉलेज से बात कर रहा हूँ। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इस समय मैं डिस्कस ही कहूँगा क्योंकि कोई भी टॉपिक तभी समझ में आता है जब उस पर डिस्कशन हो। खाली एक मैं वहाँ से बोलता रहूँ और आप लोग वहाँ सुनते रहें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ डाउट्स आते हैं तो वो क्लियर भी होने जरूरी हैं। तो जैसे तो आप लोगों को बता ही दिया गया होगा सभी लोगों को कि डाउट्स बाद में क्लियर करे जाने हैं। जो मैंने आप लोगों के साथ टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो हैं ध्वनि शास्त्र के ऊपर करना है। ध्वनि शास्त्र में ध्वनि विज्ञान और ध्वनि भेद दो बातें हो गई हैं। इसके अलावा नाद पर बात होनी है और तीसरा टॉपिक इसी के अंदर आता है काकु। ये सब के सब टॉपिक्स नाद से जुड़े हुए टॉपिक हैं, ध्वनि से जुड़े हुए टॉपिक हैं। तो इसलिए शायद ये इसीलिए यूनिवर्सिटी ने एक साथ रखा हुआ है। और एक चीज और मुझे जानकारी है कि बीए फर्स्ट ईयर और एमए प्रीवियस और एमए फाइनल दोनों तीन क्लासेस इसको अटेंड कर रहे हैं शायद। तो तीनों के हिसाब से कोशिश ये करूंगा कि थोड़ा टॉपिक को लाइट रखने की कोशिश किया जाए ताकि बीए फर्स्ट ईयर वाले भी समझ सकें और थोड़ा उसमें डेप्थ बढ़ाई भी जाएगी, तो ताकि वो एमए के स्टूडेंट्स के लिए भी काम कर जाए, उनके लिए भी कुछ अपना मटेरियल मिल जाए। तो तीन हिस्सों में इस टॉपिक को लेकर के चल रहा हूँ। पहला हिस्सा हम ध्वनि के ऊपर चर्चा करेंगे, जैसे बताया कि ध्वनि विज्ञान और ध्वनि भेद ध्वनि शास्त्र के अंतर्गत ये पहले दो टॉपिक लूंगा मैं। अगर हमारे सर सुन रहे होंगे तो मेरे ख्याल से हम लोग पहला एक क्वेश्चन जो पुट करने के लिए है वो मेरे ख्याल से हम लोग ध्वनि विज्ञान और ध्वनि भेद जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद रख लें तो ज्यादा बेटर है, ताकि ध्वनि वाला पोर्शन वो वहां पर क्लियर हो जाए। जी बिल्कुल सर, और फिर इसके बाद हम लोग नाद वाला पोर्शन ले लेंगे, तो नाद को क्लियर कर लेंगे। और इसके बाद अंत में काकु भेद पर अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है, हालांकि काकु भेद जो है वो बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हुई है अभी तक काकु पर, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उसका डिस्कशन जो बाद में होगा तो हो जाए, क्योंकि एक साथ सभी टॉपिक्स पर क्वेश्चन करने पर बच्चों को भी शायद समझने में दिक्कत हो जाए। तो खैर शुरू करते हैं ध्वनि शास्त्र। तो सबसे पहली बात तो शास्त्र क्या है, बिल्कुल ध्वनि और शास्त्र ये दो शब्दों का टॉपिक है। ध्वनि, हेलो हेलो हेलो। हाँ सुनाई दे हेलो, रही अच्छा मेरी आवाज आ रही है? है। हाँ जी सर बिल्कुल। हाँ जी, ध्वनि शास्त्र। ध्वनि शास्त्र में ध्वनि पर तो हमने चर्चा करनी है, मैं थोड़ा सा शास्त्र को कह करके तब इसके बाद ध्वनि पर आगे बढ़ूंगा। शास्त्र हर वो चीज कही जाती है जिस जिसके लिए नियम कायदे कानून व्यवस्थित कर दिए गए हैं। ऐसी हर वस्तु को, ऐसी हर कला को, हर विधा को शास्त्र कहा जाता है, जो नियम कायदे कानून है जो जिसके अकॉर्डिंगली अब आगे जाकर के वो विद्या प्रचलन में रहेगी, उसे हम शास्त्र कहते हैं। अब जब हम टॉपिक ध्वनि शास्त्र की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बट नेचुरल है कि जो शास्त्र हम डिस्कस करेंगे वो ध्वनि से संबंधित होगा, कि ध्वनि के बारे में विद्वानों ने क्या कहा है और हम आधुनिक काल में हम लोग उस ध्वनि को किस प्रकार से व्यवहार में प्रयोग कर रहे हैं, ये चीज ध्वनि शास्त्र कहलाती है। अब मैं ध्वनि पर आ जाता हूं। ध्वनि सामान्य रूप से जैसे साउंड हम लोग अंग्रेजी भाषा में कहें तो साउंड, ध्वनि के लिए हाँ ध्वनि जो प्रयोग किया जा रहा है शब्द, ये वर्तमान समय का शब्द नहीं है, ये बहुत प्राचीन शब्द है। हमारे शास्त्रों में वैदिक काल से ही, बल्कि वैदिक काल से पूर्व के शास्त्रों में भी हमको कुछ मिल जाते हैं। हालांकि अभी तक ये कंट्रोवर्शियल है कि वेद ही सबसे पहले हैं कि वेदों से पहले भी और ग्रंथ लिखे गए हैं। माना जाता है कि भारत में कि संस्कृत ही प्रथम भाषा है, लेकिन रिसेंट स्टडीज बताती हैं कि तमिल ज्यादा पुरानी भाषा है और तमिल के कई ऐसे ग्रंथ हैं तमिल भाषा के, इवन दक्षिण की और भी कई लोक भाषाएं हैं जिनमें ग्रंथ प्राप्त होते हैं हमें। तो जो प्राचीन शास्त्र हैं उनमें अलग अलग शब्द हमें ध्वनि के लिए दिखाई देते हैं, जैसे स्फोट एक शब्द है, स्फोट आधा सा फ फ उस पर ओ की मात्रा अट स्फोट, या उसी के लिए शब्द शब्द भी कहा गया है, ध्वनि के लिए शब्द भी कहा जाता है, नाद शब्द भी कहा जाता है, स्वर शब्द भी कहा जाता है, अक्षर शब्द भी कहा जाता है।
और इन्हीं शब्दों को आगे आध्यात्मिक जब इन शब्दों पर चिंतन किया गया तो इन्हीं शब्दों से आगे बढ़ करके ध्वनि को ब्रह्म या परमात्मा का स्वरूप मान करके शब्द ब्रह्म या शब्द तत्व या नाद ब्रह्म या अक्षर ब्रह्म इस तरह से भी इसको संबोधित किया गया है। माना यह गया है कि आदिकाल में जब जगत कुछ नहीं था, जो हमारे प्राचीन शास्त्र मिलते हैं उनमें कहा गया है कि जब सृष्टि में कुछ भी विद्यमान नहीं था तो सर्वप्रथम बिंदु से प्रकाश उत्पन्न हुआ। बिंदु प्रकट होता है, उस बिंदु से प्रकाश और दूसरा तत्व था ध्वनि। उस ध्वनि को वहां ध्वनि नहीं कहा गया है, जो पहला शब्द लिया गया है वो कहा गया है नाद, या फिर उसी को कहा गया है अक्षर, या उसी को कहा गया है स्वर। स्वर, अक्षर या नाद, ये तीन शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो एक प्रकाश, प्रकाश को ही ज्योति के रूप में वर्णित किया गया, और या फिर अक्षर, नाद या स्वर, इस शब्द में दूसरे तत्व को जिसको ध्वनि हम कहते हैं, वो दो तत्व हमारे प्रकट हुए। और उन प्रकट हुए तत्वों में से जो स्वर या जिसको हम ध्वनि कह रहे हैं इस समय, ध्वनि जो है, ध्वनि से ही आगे जाकर के सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। इसी के संदर्भ में जो ग्रंथों में लिखा गया है कि ध्वनि शब्द को, ध्वनि शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है कि ध्वनि शब्द कैसे बना है। ध्वनित जो होता है वो ध्वनि है। अब यहां मैं एक चीज थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ध्वनित होने का मतलब है कि कोई चीज पहले से है। ध्वनित शब्द का क्या मतलब है? कोई ध्वनित चीज हुई है वो ध्वनि, जो कुछ ध्वनि ध्वनित हुआ है वो ध्वनि है। यानी कि ध्वनि जो है वो स्वयं में कोई पूर्ण शब्द नहीं, पूर्ण वस्तु नहीं है, वो किसी चीज का प्रतिबिंब है। ध्वनित शब्द का मतलब होता है अनुरणन या गूंज। अब हम जो लोग श्रुति शब्द को पढ़ चुके हैं म्यूजिक में, एमए के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, श्रुति शब्द में हम कहते हैं कि जब हम किसी चीज पर प्रहार करते हैं, जब दो सतहों को टकराते हैं, तो टकराते ही पहली जो ध्वनि प्रकट होती है वो श्रुति होती है, और उसके बाद जो उस ध्वनि की गूंज उत्पन्न होती है तो वही श्रुति परिवर्तित होकर के स्वर बन जाती है। वही चीज हमारे, हमें आध्यात्मिक ग्रंथों में, या इनको आध्यात्मिक ग्रंथ ना कह करके तंत्र शास्त्र के ग्रंथ कहा गया है, वहां पर हमको दिखाई देता है। तो जो ध्वनि की व्युत्पत्ति कही गई है वो कही गई है कि जो ध्वनित किया गया किया जाए, या फिर जो ध्वनित हो, या जिसके द्वारा ध्वनित किया जाए, जिसमें वस्तु, अलंकार, रस आदि ध्वनित हो, वो चीज ध्वनि है। ये परिभाषा वहां दी गई है। और ध्वनित का मतलब मैंने बताया कि गूंज होना, कि कोई पहले तत्व है यानी परमात्मा तत्व, और उससे जो गूंज प्रकट हुआ है, गूंज में ये सारी सृष्टि, सब कुछ, जो भी चराचर जगत जो कुछ भी है वो सब कुछ ध्वनि कहलाएगा। ठीक है, ध्वनि कहलाएगा क्योंकि ध्वनि से ही वो उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ये सब आगम के ग्रंथों में हमको प्राप्त होता है। और बताया गया है कि ध्वनि आकाश का गुण है। ये सब अभी जो है म्यूजिक पर नहीं आया हूं मैं, अभी ये सब म्यूजिक से इतर जो ग्रंथ हैं उनमें ध्वनि के बारे में क्या कहा गया है, ध्वनि शास्त्र क्या कहता है, वो बताया जा रहा है। ध्वनि आकाश का गुण माना गया है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। इनमें से कान जो है वो ध्वनि को ग्रहण करने का माध्यम है। बाकी सब अलग 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 चीजों को ग्रहण करते हैं, पर ध्वनि को ग्रहण करने के लिए कान माना गया है। तो कान को माना गया, आकाश का क्षेत्र माना गया है कि कान में, हमारे शरीर में भी, तंत्र विज्ञान में भी कहा गया है कि कान में आकाश का वास रहता है, आकाश का स्थान है, और इसी वजह से हमें ध्वनि सुनाई देती है। ठीक, ध्वनि को जो महत्व दिया गया है हमारे जगत में, हमारे ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। पहले ही बताया गया है कि सारी सृष्टि का
उत्पत्ति जो है वो ध्वनि से हुई है, और ध्वनि के जो है वो दो भेद माने गए हैं, पाठ्य भेद और गेय भेद। जहां तक मनुष्य जो ध्वनि अपने मुख से प्रकट करता है उसके लिए कहा गया है कि वो दो प्रकार की होती हैं, पाठ्य भेद की और गेय भेद की। पाठ्य भेद में वेदों की रचना हुई, अब यहां से वैदिक काल प्रारंभ हो रहा है। वेदों की रचना जब हुई तो चार वेद हुए हैं, ये सभी लोग जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से प्रथम दो वेद जो हैं, ऋग्वेद और यजुर्वेद, ये पाठ्य भेद से हुए हैं। इनकी प्रकट इनका जो मंत्रों का उच्चारण है वो पाठ्य भेद से हुआ है, यानी उनका जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वो पढ़ने के ढंग से किया जाता है। जैसे हम कोई भी सामान्य साहित्य पढ़ते हैं उस तरीके से उनका पठन किया जाता है, उन मंत्रों का, उन श्लोकों का, मंत्रों का, या जो भी उसमें साहित्य दिया गया है। और जहां तीसरा वेद जब उत्पन्न होता है सामवेद, वो गेय भेद से हुआ है। गेय भेद का मतलब किया जाना है, जो हम आजकल के संदर्भ में कहूं तो जिसको हम गाना कहते हैं, एक बोलना हुआ और एक गाना हुआ। बोलते हम दो तरीके से हैं, कविता रूप में या फिर शब्द रूप में, गद्य और पद्य जिसे कहा गया है साहित्य में। तो पाठ्य भेद के अंतर्गत ऋग्वेद यजुर्वेद आए और गेय भेद में सामवेद आया। जहां तक चौथा वेद है अथर्ववेद, अथर्ववेद के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं है कि उसके अंदर जो श्लोक हैं या मंत्र हैं उनको गाना है या पढ़ना है, वो स्वतंत्र छोड़ा गया है कि उनको गाया भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। वास्तव में अथर्व वेद में व्यवहारिक ज्ञान की चर्चा की गई है कि सामान्य में जगत में किस प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए, समाज की सृष्टि किस प्रकार से की होती है, गृहस्थ आश्रम किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना है, नीति शास्त्र क्या है, ये सब अथर्व वेद से शुरू होता है। उससे पूर्व के केवल जो है वो ऋचाओं का संकलन है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में और सामवेद में। इनमें से मैंने बता दिया कि दो वेद, पहले वेद जो हैं वो दोनों पाठ्य भेद के हैं और तीसरा वेद सामवेद, वो गेय भेद से है, उसको गायन किया जाता है। वैदिक काल में ही इन्हीं वेदों को के उपवेद भी बने, उपवेद हुए जो इनसे इनका सार तत्व लेकर के कुछ कुछ विद्याओं को डेवलप करके और अलग वेद कहा गया उनको। ऋग्वेद और यजुर्वेद से तो आयुर्वेद और शिल्प वेद आगे डेवलप हुए हैं, लेकिन साम वेद से गंधर्व या गांधर्व वेद की कल्पना की गई है कि वहां से गांधर्व वेद की हमारे आधुनिक काल में बहुत दुर्भाग्य की अवस्था है कि हमारे आधुनिक काल में बहुत सारा साहित्य हमारा नष्ट हो चुका है या फिर वो अभी तक उपलब्ध नहीं है हम लोगों को। उनमें गांधर्व वेद भी एक बहुत बड़ी वो है कि हमें उपलब्ध नहीं है वर्तमान समय में। अगर किसी के घर में कहीं संरक्षित हो तो बात अलग है, लेकिन अभी तक पब्लिश नहीं हो पाया है और समाज को प्राप्त नहीं है वो वेद। तो गांधर्व वेद जिससे आगे चल करके संगीत की हमारा आधुनिक संगीत डेवलप हुआ। तो ये वैदिक काल था। वैदिक काल में पूरा का पूरा एक ग्रंथ, एक वेद और उसके उस पर आधारित एक पूरा ग्रंथ वो केवल संगीत से ही रिलेटेड है। और इसके अलावा दो पहले के ग्रंथ जो पाठ्य भेद के हैं वो भी ध्वनि पर आधारित है। इस तरह से चार वेदों में से तीन वेद ध्वनि पर आधारित थे। इसका मतलब है हमारे प्राचीन काल में वेदों ध्वनि को कितना ज्यादा महत्व दिया गया था, ये हमें इन चीजों से समझ में आता है। इसके अलावा जब आगे जाकर के तंत्र शास्त्र डेवलप हुए, तांत्रिक क्रियाएं शुरू हुई, ये आधुनिक ढंग के तांत्रिक नहीं, तंत्र कुछ अलग चीज है। तो तांत्रिक शास्त्र जब डेवलप हुए हैं तो तंत्र शास्त्र में भी जब सप्त चक्रों का शरीर में स्थान बताए गए, सप्त चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र, ध्यान रखिएगा इसको, इस पर अभी हम बाद में ध्यान वो करेंगे, डिस्कशन फिर दोबारा करेंगे। अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र,
आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। तो अनाहत चक्र का स्थान हमारे हृदय स्थान पर या उर स्थान पर कहा गया है, हृदय या उर। उर हुआ जहां हमारे लंग्स का वी शेप ए शेप बनता है, इसके बीच का क्षेत्र, कुछ लोग उर जंघा के लिए भी कहते हैं। और एक हृदय स्थान जो बीच का स्थान है, यहां पर अनाहत चक्र के लिए कहा गया है। इसका नाम ही दिया गया है अनाहत। और हम लोग अगर मॉडर्न टाइम पर भी देखें तो जब हम गायन करते हैं तो हेलो हाँ सर, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ ठीक। तो सर्वाधिक बल हम ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हृदय स्थान पर ही देते हैं। हेलो हेलो, हाँ सर, आ रही आवाज आ रही है? हाँ ठीक। सात चक्रों में एक चक्र वो ध्वनि पर ही आधारित माना गया है, उसको ध्वनि का ही स्थान दिया गया है। तो इस तरीके से करके प्राचीन काल में ध्वनि को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है विभिन्न ग्रंथों में और विभिन्न कालों में भी। पुराण काल में जब इसके बाद पुराण काल प्रारंभ होता है, पुराण ग्रंथों की रचना शुरू होती है, उस टाइम पर भी हमें एक एक विशेष कथा पुराणों में आती है जिससे हमें ध्वनि के और ध्वनि के उच्चारण के ऊपर भी बहुत ज्यादा विशेष ध्यान दिए दे करके कहने के लिए कहा गया है। वृत्रासुर की कहानी सुनी होगी, इंद्र और वृत्रासुर की। उसमें कहा गया है कि जो वृत्रासुर के पिता हैं, जो ऋषि थे, वो इंद्र से कुछ द्वेष हो गया था और इंद्र को मारने के लिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। और जो अंतिम आहुति दे रहे थे वहां इंद्र की हत्या करने वाला पुत्र मांग रहे थे वो। तो अंतिम आहुति देते हुए में उन्होंने इंद्र शत्रु के लिए शब्द कहा था, उन्होंने संस्कृत में एक शब्द था उसमें उन्होंने उच्चारण गलत कर दिया था, जिसकी वजह से वो इंद्र के द्वारा हत्या किए जाने वाला बन गया। केवल एक मात्रा के गलत उच्चारण की वजह से वो जिसने इंद्र की हत्या करनी थी वो इंद्र के द्वारा हत्या किया गया, ये बन गया। तो शब्द का उच्चारण या ध्वनि का उच्चारण बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है प्राचीन काल में। अब इसके बाद हम लोग संगीत में संगीत की तरफ लेकर के आना चाहूंगा, क्योंकि ये सब चीजें थोड़ा एमए के लेवल के लिए थोड़ा दे दिया था कि अगर ध्वनि शास्त्र कैसे करके हमारे संगीत में, हमारे भारतीय संगीत में इसको किस तरह से इंक्लूड किया गया है, ये अगर वो लोग अपना करना चाहें, आगे शोध करना चाहें या टॉपिक डेवलप करना चाहें तो उनके लिए था। अब मैं धीरे धीरे करके बीए के लेवल पर भी लेकर के आना चाहूंगा। तो यहाँ तक तो हमारे पौराणिक ग्रंथ आ जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है शिक्षा ग्रंथ काल। शिक्षा ग्रंथ काल में वही गेय और पाठ्य भेद गान माना गया है। शिक्षा ग्रंथ जो डेवलप हुए थे वो डेवलप हुए थे वेदों की जो परंपराएं थी उनकी सुरक्षा के लिए, आगे की पीढ़ी को वो चीजें सिखाने के लिए। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनको शिक्षा ग्रंथ कहा जाता है। याज्ञवल्क्य शिक्षा, मांडूक्य शिक्षा, नारदीय शिक्षा, इस तरह से कई कई शिक्षा ग्रंथ हैं, सैकड़ों की संख्या में ग्रंथ हैं। तो उनमें जो है वो स्वर विज्ञान पर ही टोटल वो ग्रंथ हैं, किस प्रकार से ध्वनि को उच्चारित किया जाना है। ध्वनि उच्चारण के उसमें दो भेद बताए गए हैं। गायन, उनको ध्वनि उच्चारण को गान कहा गया है सबसे पहली बार, और गान के दो भेद बताए गए हैं, पाठ्य गान, पाठ्य भेद और गेय भेद। पाठ्य भेद में तो गद्य और पद्य दोनों आ गए, और गेय भेद में साम और गांधर्व। साम मतलब साम वेद नहीं है, साम वेद की ऋचाओं के गान को साम गान कहा गया है। तो साम गान और गांधर्व गान दो तरीके के गान कहे गए। गद्य पद्य में वर्णोच्चारण किया जाता है, वर्णोच्चार में स्वर उच्चारण और प्लस व्यंजन उच्चारण, ये दोनों किस प्रकार उच्चारित किए जाएंगे सारे शिक्षा ग्रंथों में ये चीज दी गई है। इसके अलावा कुछ ग्रंथों में जो सामगान से संबंधित शिक्षा ग्रंथ थे उन ग्रंथों में
गायन के बारे में भी दिया गया है कि जो संगीत के स्वर हैं उनका उच्चारण किस प्रकार से किया जाना है। और यहां एक चीज विशेष बता दूं कि साम गान के स्वर अलग थे और गायन जो गांधर्व जिसको हम आगे जाकर के संगीत कहा जिसको, उस गांधर्व के स्वर अलग थे, सात स्वर अलग थे। वो चर्चा अलग है, पर ध्वनि के ऊपर ही वापस लेकर के आ रहा हूं, इसलिए आगे बढ़ते चले जाएंगे कि ध्वनि के आगे किस प्रकार से दिखाई देती है, हम लोगों को डेवलपमेंट किस प्रकार से दिखाई देता है। शिक्षा ग्रंथों के बाद नाट्य शास्त्र हमको दिखाई देता है। नाट्य शास्त्र ग्रंथ भरत मुनि ने लिखा था, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के पहली शताब्दी ईस्वी के बीच में इस ग्रंथ का रचना काल माना जाता है। और इस ग्रंथ में वही सारी सारी बातें कही गई हैं ध्वनि के बारे में। ध्वनि के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की है क्योंकि मुख्य रूप से ये ग्रंथ जो है नाट्य के बारे में था, तो उतना ही संगीत उन्होंने बताया है जितना नाट्य के नाट्य में प्रयोग किया जा सकता था, उतना ही संगीत बताया। इसलिए ध्वनि की चर्चा न करके उन्होंने सीधा स्वर की चर्चा की है, इसलिए नाट्य शास्त्र को ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। पर ज्यादातर चीजें शिक्षा ग्रंथों में जो चीजें थी वही चीजें नाट्य शास्त्र में इन्होंने प्रयोग किया है, भरत मुनि ने बताए हैं। ध्वनि से संबंधित सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रंथ हमारा मिलता है बृहद्देशी, मतंग मुनि का बृहद्देशी। वर्तमान काल में जो रिसर्चेज हुई हैं बृहद्देशी ग्रंथ में, उसमें माना जाता है कि बृहद्देशी ग्रंथ छठी शताब्दी ईस्वी में, ईस्वी संवत में ये ग्रंथ लिखा गया मतंग मुनि द्वारा। तो इस ग्रंथ में सबसे पहली बात, ग्रंथ का नाम जो है वो है बृहद्देशी, बृहद्देशी। इसमें देशी शब्द जो है वो ध्वनि के लिए प्रयोग किया गया है। मतंग मुनि ने कहा है कि ध्वनि देशी होती है, तो उन्होंने उस ग्रंथ को जो लिखा है वो गुरु और शिष्य के संवाद के रूप में लिखा हुआ है। तो शिष्य संवाद करता है, प्रश्न करता है अपने गुरु से, मतंग मुनि से, कि ध्वनि जो है वो उसका मूर्त रूप तो नहीं होता है, तो ध्वनि देशी कैसे हो सकती है, किसी प्रांत से संबंधित कैसे होती है। तो तब मतंग मुनि उसका प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं वहां पर कि यो अयम ध्वनि, सॉरी, देशे देशे भ्रवित, देशे देशे प्रवित असौ ध्वनिर्देशी संगीत है। देश देश में प्रवित होने के कारण ध्वनि देशी कहलाती है। अब इसको थोड़ा सा मैं एलोबरेट करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको आप सीधा सीधा मत समझ लीजिए कि मतंग मुनि ने ऐसा ही कहा है, क्योंकि मतंग मुनि के टाइम पर गढ़वाली चलती थी कि नहीं चलती थी नहीं जानता कोई, कुमाऊनी चलती थी कि नहीं चलती थी उसका कोई प्रमाण नहीं है, पंजाबी थी कि नहीं थी कोई नहीं जानता, उर्दू, अवधी, मैथिल, कौन सी भाषा चलती थी कोई नहीं जानता है, ठीक है। उस समय संस्कृत प्रचलन में थी ये सब जानते हैं, तमिल प्रचलन में थी सब जानते हैं, तो कुछ भाषाओं का था लेकिन जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका प्रचलन था या नहीं था इसके प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं के शास्त्र डेवलप नहीं हुए हैं, आज तक भी शास्त्र डेवलप नहीं हुए, बहुत कम क्षेत्रीय भाषाओं के डेवलप हुए हैं। तो खैर, वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अलग अलग देश, जैसे कि पंजाब क्षेत्र का व्यक्ति अगर हिंदी में कोई बात कहता है, या दक्षिण भारत का कोई आदमी हिंदी में कोई बात कहता है उसी बात को हिंदी में कहता है, बंगाल का व्यक्ति यदि हिंदी में ही कोई उसी बात को हिंदी में अपने ढंग से कहता है, तो आप लोग पहचान जाएंगे कि कौन सा व्यक्ति बंगाली का है, कौन सा व्यक्ति मद्रास का है या दक्षिण भारत का है, या कौन पंजाब का है। वजह क्या है? टोन, जिस टोन से वो बात कर रहा है। मतंग मुनि ने उसी चीज को पॉइंट आउट किया है कि देश देश में प्रवित हुई, प्रचलन में जो ध्वनि होती है उस ध्वनि के प्रचलन के कारण ही उस पर्टिकुलर ध्वनि को देशी ध्वनि कहा जा सकता है, कि वो उस ध्वनि उस देश की ध्वनि है, ये चीज उन्होंने वहां पर कही है। इसके बाद उन्होंने, ये पहला चैप्टर है उनका, शुरुआती हिस्सा है, मंगलाचरण के बाद उन्होंने ध्वनि के बारे में चर्चा की है अपने ग्रंथ में।
तो उसमें उन्होंने ध्वनि के बारे में कहा है कि बिंदु से सृष्टि की प्रारंभ में, जैसे बिंदु से नाद उत्पन्न होता है, नाद से मात्रा उत्पन्न होती है, मात्रा से वर्ण उत्पन्न होते हैं, और वर्ण से स्वर और व्यंजन उत्पन्न होते हैं। मोतक मुनि कहते हैं कि स्वर शक्ति, शक्ति का रूप है स्वर, और शिव का रूप है व्यंजन, स्थूल रूप व्यंजन है, और स्वर और व्यंजन के मेल से पद, और पदों के मेल से वाक्य का संरचना होती है। अब साहित्य के दृष्टिकोण से देखें, जो आप लोग पहली दूसरी क्लास में पढ़कर आए होंगे, उसमें यही चीज बताई गई है, खाली हमको आधे स्टार्ट किया था, स्वर और व्यंजन से वर्ण, वर्ण से स्वर और व्यंजन, और स्वर व्यंजन को मिला करके पद बनता है, या जिसको हम लोग शब्द कहते हैं, और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। यही चीज छठी शताब्दी में वहां पहले एक समझा दी गई है। इस चीज को हम शास्त्र कहते हैं कि जब किसी चीज का, किसी किसी भी विधा का या विद्या का शास्त्र डेवलप हो जाता है, तो उस शास्त्र नियम कायदे कानून डेवलप हो जाते हैं, तो उस नियम कायदे कानून को हम शास्त्र कहते हैं। तो साहित्य का शास्त्र डेवलप होने लग गया था तब तक में। तो खैर, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। इस प्रकार से वाक्य डेवलप होते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि संगीत के, गांधर्व के पृथक 7 स्वर हैं, वो भी ध्वनि का ही भेद है। इस प्रकार से करके उन्होंने 2 प्रकार के स्वर बताए हैं, एक साहित्य के और एक संगीत। गेय भेद और पाठ्य भेद, वही जो मैं पहले से बताता रहा हूं। फिर इसके बाद उन्होंने ध्वनि के 2 रूप बताए हैं, व्यक्त और अव्यक्त, जो प्रकट है और जो प्रकट नहीं है। बस ध्वनि के बारे में इतना कह करके उन्होंने चैप्टर क्लोज कर दिया है। अब मैंने कहा था कि हम लोग इस टॉपिक, जो भी हम टॉपिक्स जो इस समय इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें मूल रूप से 3 टॉपिक बन रहे हैं। वैसे तो 2 ही टॉपिक है, ध्वनि और नाद, लेकिन अगर काकू को थोड़ा बहुत अलग करके देखना चाहें तो काकू भी एक बन जाएगा। ध्वनि के मामले में हमें अभी तक जितना शास्त्र में, अभी तक जो स्टडीज हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली इतना ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा ध्वनि का चैप्टर क्लोज होता है। ध्वनि के बारे में हमें यहाँ इतना ही प्राप्त हुआ है ग्रंथों के अंदर। अब मैं इसके अलावा थोड़ा सा और डिस्कस कर दूंगा आपके साथ ध्वनि के मामले में। भारतीय जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहें, भारतीय का मतलब यहाँ पर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और जो हम आज का नक्शा देखते हैं उसको नहीं कहते हम। भारतीय जो है वो भारत शब्द बाद में आया है। भारत शब्द से पहले भारती शब्द था, भारती। भारती मतलब संस्कृति से है, जिस संस्कृति के फॉलोअर्स, मतलब भारतीय संस्कृति के फॉलोअर्स को भारत कह दिया गया बाद में। तो ये संस्कृति हमारे जो ईरान के इस तरफ, जितना आज का ईरान जो है उससे, जिसको प्राचीन काल में फारस कहा जाता था, वहां से लेकर के और बंगाल और बर्मा, म्यांमार वगैरह यहाँ तक, और उसके बाद सारा जिसको कई बार आज तक अखंड भारत के नाम से नक्शा दिखा दिया जाता है, मतलब साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह, ये सारा यहाँ तक सारी संस्कृति हमारी प्रचलित प्रचारित हो गई थी। आज भी वहाँ हमें प्राचीन मंदिर दिखाई देते हैं भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए, और इवन जापान तक भी चला गया, जापान और कोरिया तक भी चली गई थी। चीन का नहीं, चीन की अलग संस्कृति रही है, जापान और कोरिया तक, तो वो सारी संस्कृति एक ही थी। और हिमालय के थोड़ा उत्तरी भाग से लेकर के, तिब्बत नहीं, तिब्बत से निचला हिस्सा जो है, वहां से लेकर के दक्षिण में श्रीलंका आज का देख लीजिए, और बाकी और सब द्वीपों में तो भारत के लोग बाद में प्रवासी बने। इन सब की संस्कृति में एक समानता है, खान पान वगैरह सब अलग चीज है, लेकिन व्यवहार जो है वो एक समानता है। इन सब में ध्वनि का व्यवहार जो है वो अलग ढंग से हुआ है इस पूरे क्षेत्र में। और वेस्टर्न वर्ल्ड में, अब मैं थोड़ा सा वेस्टर्न वर्ल्ड का थोड़ा सा छेड़ करके फिर इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। वेस्टर्न वर्ल्ड में चीजों को देखने का नजरिया थोड़ा अलग है। जहां हम
भावनात्मक रूप से देखते हैं, भारतीय संस्कृति के लोग किसी भी विषय को भावनात्मक पक्ष से समझने का प्रयास करते हैं, वहीं पाश्चात्य जगत के लोग, वेस्टर्न वर्ल्ड के जो लोग, वे लोग किसी भी चीज को समझने के लिए तार्किक बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तर्क जो है वो आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये जो पंच तत्व हैं, इनसे जिनको देखा जा सके, समझा जा सके, केवल उन्हीं को वो लोग सत्य मानते हैं पाश्चात्य जगत में। जबकि भारत में जो चीज हम आंख से नहीं भी देख पा रहे हैं या कान से नहीं भी सुन पा रहे हैं, उन चीजों को भी अनुभव करके, उनको भी भावनाओं में अनुभव करके उनको सत्य मानते हैं। जैसे कि अभी नाद के बारे में हम लोग बात करेंगे, या अभी मैं ध्वनि का ही टॉपिक खत्म होते हुए मैं दो भेद बताए हैं, व्यक्त और अव्यक्त। तो अव्यक्त वाली ध्वनि को भी हमने ग्रहण किया है अपनी संस्कृति में, नाद में अनाहत नाद को भी हमने अपनी संस्कृति में ग्रहण किया है, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड अनाहत नाद करके कोई किसी ध्वनि को नहीं मानता। जब तक किसी चीज को वो मूर्त रूप में प्रकट नहीं कर लेते हैं, तब तक उस चीज की उसको वो उस चीज को मना करते रहते हैं कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है कि हमारी, हम जिस भी विषय को पढ़ रहे हैं वो हमने अपनी कल्चर के अकॉर्डिंगली पढ़ना है, क्योंकि हमारा सिस्टम थोड़ा, एजुकेशन सिस्टम वेस्टर्न कल्चर के प्रभावित है, तो इस वजह से हम टॉपिक्स को थोड़ा वेस्टर्न दृष्टिकोण से, यानी तार्किक बुद्धि के दृष्टिकोण से भी देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो नाद रहेगा, मैं नाद के विषय में टॉपिक पढ़ाते वक्त में थोड़ा सा वेस्टर्न को भी छेड़ूंगा, ताकि आप लोगों को आज की जो आप लोगों की तार्किक बुद्धि डेवलप हो गई है उसके अकॉर्डिंगली भी मैं उसको समझा सकूं टॉपिक। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ध्वनि के लिए जो है वो साउंड कहा गया है, और साउंड को मेजर उन्होंने किया है कंपन के माध्यम से, वाइब्रेशंस के माध्यम से, और इसलिए वो जो साउंड का स्टडी करते हैं वो वाइब्रेशन, वेलोसिटी, टिम्बर, क्वालिटी, ड्यूरेशन वगैरह इस तरह से करके वो लोग करते हैं। ये सारी बातें मैं अभी डिस्कस करूंगा आपका नाद के बारे में करते हुए, खाली ये मैं बता रहा था कि ध्वनि के अंतर्गत हम साउंड को, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में भी है, म्यूजिक में भी साउंड पढ़ा जाता है, तो वो चीज भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ ये टॉपिक मैं खत्म करता हूँ। जैसे कि बृहदेशी में बता दिया गया कि ध्वनि के दो प्रकार हैं, व्यक्त और अव्यक्त। यहाँ कहने के बाद बृहदेशी में ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब बात आती है कि खाली मैंने बृहदेशी के बारे में बात की, अन्य ग्रंथों का क्या हुआ? बहुत सारे संगीत के ग्रंथ हैं, तो छठी शताब्दी और इवन छठी शताब्दी के बाद भी, बृहदेशी के बाद भी और ग्रंथ लिखे गए। जैसे कि आप ज्यादातर लोग जानते होंगे संगीत रत्नाकर 12वीं शताब्दी में लिखा गया, तो उसमें भी ध्वनि के बारे में लिखा हुआ है, तो उनकी भी चर्चा मैंने नहीं की, या आधुनिक काल में हम लोग जो कुछ भी ध्वनि में कर रहे हैं उसकी चर्चा नहीं की। मैंने इसलिए नहीं की उस बारे में चर्चा, क्योंकि बाकी सभी लोगों ने छठी शताब्दी में जब बृहदेशी ग्रंथ में मतंग मुनि ने ध्वनि के बारे में चर्चा कर दी, तो उसके बाद 8वीं शताब्दी में संगीत मकरंद लिखा गया। इसके बाद जो अभी तक अवेलेबल ग्रंथ है, मैं खाली उनके नाम गिना रहा हूँ, ठीक है, जिनके की ऑथेंटिकली डेट्स को फिलहाल फिक्स कर दिया गया है, उन ग्रंथों का मैं केवल चर्चा कर रहा हूँ, बाकी ग्रंथों का नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है ये लिखा गया संगीत राज लिखा गया, भरत भाष्यम लिखा गया, ठीक है, नान्य देव ने भरत भाष्यम ग्रंथ लिखा है, संगीत रत्नाकर शारंग देव जी ने लिखा है। इसके बाद बहुत सारे उत्तर और दक्षिण भारतीय संगीत, दो भिन्न पद्धतियां डेवलप हो गई भारत में 12वीं शताब्दी, 14वीं 15वीं शताब्दी के बाद में, उसके बाद तो अनेक ग्रंथ डेवलप हुए। तो इन सब में ध्वनि के बारे में लिखा गया था कि नहीं लिखा गया था? बिल्कुल लिखा गया था, लेकिन इन सब ने वही बात कही जो मतंग मुनि ने कही थी, इसलिए मैंने उसको बार बार रिपीट नहीं किया कि शारंग देव ने भी ऐसा कहा है या दूसरे व्यक्ति ने भी ऐसा कहा है। मैं केवल मतंग मुनि तक लेकर के, जो मतलब फर्स्ट व्यक्ति है, वहां तक ला करके मैंने इस बात को खत्म कर दिया है। अब इसके बाद मतंग मुनि ने नाद के बारे में बात की है। नाद पर भी चर्चा करने वाले मतंग मुनि ही पहले व्यक्ति हैं,
उससे पहले के ग्रंथ जो हमें प्राप्त होते हैं नाट्य शास्त्र या दत्तिलम, दत्तिलम दत्तिल मुनि के द्वारा लिखा गया दत्तिलम ग्रंथ है, दूसरी शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ, उसमें भी नाद के बारे में चर्चा नहीं मिलती है। बहुत हल्का सा कह करके आहत अनाहत कह करके बस इतना कह करके छोड़ दिया गया है, उसकी परिभाषाएं नहीं दी गई हैं, समझाया कुछ नहीं गया है, सीधा स्वर और स्वर के बाद श्रुतियां वगैरह ग्राम मूर्छना इस तरह से करके समझा दिया गया। तो सबसे पहले नाद की चर्चा जो है विस्तृत रूप से परिभाषाएं देते हुए वो मतंग मुनि ने ही किया है। तो मतंग मुनि ने नाद की परिभाषा सबसे पहले उन्होंने ही दी, व्युत्पत्ति बताई, नकारम प्राण नामनम दकारनलम विदु प्राणाग्नि संयोगातेन नादो अभिधीयते। नकारम प्राण नामनम, प्राण माने वायु, नाद शब्द की उत्पत्ति बता रहे कि नाद कैसे बना। नाद में न और द दो वर्ण हैं, इनमें से न वर्ण जो है वो वायु, प्राण यानी वायु, उसका द्योतक है, उसका सूचक है। और दकारम अनलम विदुह, अनल माने अग्नि, जो द वर्ण है नाद शब्द में, द वर्ण जो है वो अग्नि का सूचक है, यानी वायु और अग्नि ये दो तत्वों से मिल करके नाद शब्द बना है या नाद उत्पत्ति होती है। नकारम प्राण नामनम दकारम अनलम विदुह, प्राण अग्नि संयोगातेन, दोनों के संयोग से नादो अभिधीयते, नाद उत्पन्न होता है ऐसा कहा गया है। ये नाद की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के बारे में उन्होंने कहा है। ये आगम के आधार पर ही है ये चीज जो परिभाषा दी गई है। अगर हम इसको वही तार्किक बुद्धि, मैंने कहा ना कि एक तो है भावनात्मक बुद्धि और एक है तार्किक बुद्धि, अगर हम आज के दृष्टिकोण में भी अगर हम इस चीज को जांचने की कोशिश करें कि किस प्रकार, क्या नाद यानी ध्वनि, नाद शब्द का अर्थ भी ध्वनि ही है, तो नाद की उत्पत्ति क्या वास्तव में अग्नि और वायु के संयोग से होती है? अगर ये हम जानना चाहें तो जितने लोग तो इस समय कोर्स कर रहे हैं, जिन्होंने गांव का माहौल देखा है, गांव में चूल्हा जलते हुए देखा होगा, लकड़ी का चूल्हा, तो उसमें जब आग जलाते हैं और उस पर फूंक मारते हैं, हवा मारते हैं, हवा का वेग मारते हैं, तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि वहां फड़फड़ाहट की आवाज आती है, ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। वहां पर ढोल नहीं है, वहां कोई ऐसा, हम बर्तन नहीं बजा रहे, कुछ नहीं बजा रहे, हम हवा पर वायु का वेग जब मारते हैं तो वहां पर ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अब अगर वायु और अग्नि से ध्वनि उत्पन्न होती है, अगर ऐसा है तो शरीर में कैसे उत्पन्न हो रही है? शरीर पर तो आग नहीं लगाई हुई है, तो तब उत्पन्न कैसे हो रही है? हम जब सांस लेकर के शरीर को, ये मेडिकल साइंस भी बताता है, आप लोग भी इस चीज को 10वीं की क्लासेस में पढ़ चुके होंगे बायोलॉजी की किताब में, कि सांस लेते हैं तो अंदर हवा जाती है और उसके बाद जब हम बोलने की चेष्टा करते हैं तो बहुत सारी जो मांसपेशियां हैं वो तेज गति से सिकुड़ती हैं और नीचे की वायु तेजी से ऊपर को बढ़ती है, और ऊपर बढ़ते हुए में जो हमारे अनाहत चक्र जो आगम में कहा गया, वहां अग्नि का वो वास माना जाता है, एसिडिटी भी होती है तो हमें यहीं पर लगती है, आप लोगों ने गौर किया हो तो अग्नि का वेग वहां से वो लेकर के ऊपर को उठती है वायु, और गले में स्नायु तंत्रियां होती हैं, झिल्लियां होती हैं, वोकल कॉर्ड जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, उनमें कंपन उत्पन्न होता है और ध्वनि प्रकट हो जाती है मुख के माध्यम से। तो इस तरीके से करके तार्किक बुद्धि वालों के लिए कहा, बता रहा हूं मैं कि अगर ये खाली एक झूठ समझा जाए तो ऐसा नहीं है, हमारे विद्वानों ने बहुत पहले से बहुत कुछ रिसर्च किया है। जो रिसर्च शब्द अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में उसे शोध कहा जाता है, और प्राचीन काल में उसी को यज्ञ कहा जाता था। यज्ञ का मतलब केवल एक कोई कुंड बना करके, कुआं जैसा बना करके, गड्ढा बना के उसमें लकड़ियों को फूंक देने को, जला देने को यज्ञ नहीं कहा जाता है। यज्ञ माने शोध करना, किसी चीज की जानकारी को और आगे बढ़ाना। तो उन लोगों ने पहले ही ये चीजें शोध कर ली थी और जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो खैर, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो नाद शब्द
शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार से बताई गई है। ये किताबों में भी मिल जाएगा, जो श्लोक मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है कि वो मैं अपने आप बना रहा हूँ, ये सब ग्रंथों में लिखा हुआ है और इवन आप लोगों की किताबों में भी मिल जाएगा। मैं किताबों के रेफरेंस भी दे दूंगा जहां से मैंने किताबों के जिन जिन किताबों को पढ़ करके मैंने ये चीजें आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, वो किताबें भी मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। उस तो मैं बताता जा रहा हूँ साथ में, जैसे बृहदेशी बताया, नाट्य शास्त्र बताया, शिक्षा ग्रंथों में नारदीय शिक्षा है और मांडू की शिक्षा भी है, इनमें भी दिया हुआ है। याज्ञवल्क शिक्षा है, उसमें भी दिया है। बाकी चार वेद हैं, उनमें भी आप लोग खुद से भी देख सकते हैं और उनकी टीकाएं हैं, उन पर हिंदी और अंग्रेजी में टीकाएं की गई हैं, उनसे भी आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। ये नाद का जो टॉपिक्स है, ये आप लोगों को संगीत बोध नाम की एक किताब है, डॉक्टर परांजपे की लिखी हुई किताब है ये। इसमें ये किताब में नाद के बारे में काफी अच्छा दिया हुआ है। इसके अलावा आप लोग क्रमिक पुस्तक मालिका भी कंसल्ट कर सकते हैं, उसमें थोड़ा दिया हुआ है लेकिन शुरुआत में थ्योरी है, बाद में रागों के और बंदिशों के बारे में लिखा हुआ है, उसमें देख सकते हैं। और संगीतांजलि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर की किताब है, 6 भाग हैं, तो उसकी पहले या दूसरे भाग में नाद के बारे में दिया हुआ है। शुरुआत में वही है, उसी तरह से जैसे क्रमिक पुस्तक मालिका में है, शुरुआत में थ्योरी दी हुई है और बाद में रागों के बारे में डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है उसमें, तो इस तरह से। और एक किताब का नाम और बोल दूं, वो बिगनर्स के लिए है, बिल्कुल बीए फर्स्ट ईयर के लिए, संगीत शास्त्र दर्पण। संगीत शास्त्र दर्पण, इसके 2 भाग हैं और शायद अभी तीसरा पब्लिश कर दिया है कि नहीं कर दिया है मालूम नहीं मुझे। शांति गोवर्धन की किताब है ये, ये आप लोगों को बहुत इजीली मिल जाएगी, महंगी भी नहीं है और बहुत सस्ती किताबें हैं ये, इन किताबों को आप कंसल्ट कर लीजिएगा। तो नाद को वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, नाद को शुरू करते हैं। तो नाद की व्युत्पत्ति हो गई है कि नकारम प्राण, मतलब नाद शब्द में न जो है वो वायु और द शब्द जो द वर्ण जो है वो अग्नि को व्यक्त करता है और वायु और अग्नि के योग से नाद की उत्पत्ति होती है, नाद माने ध्वनि की उत्पत्ति होती है, ऐसा वहां बताया गया है। और संस्कृत भाषा में नाद शब्द कैसे बना है उसके लिए कहा गया है कि नद न और द नद धातु से नाद शब्द की नाद शब्द बनता है, उत्पन्न होता है या व्युत्पत्ति होती है, इस प्रकार से बताया गया है। और मतंग मुनि ने अंतिम बात कह करके नाद को खत्म कर दिया अपनी टॉपिक अपने किताब में, उसमें नाद के 5 भेद बताए हैं उन्होंने, ये बात आप लोग लिख लीजिएगा अगर हो सके तो। नाद के 5 भेद बताए हैं, सूक्ष्म भेद, अति सूक्ष्म भेद, व्यक्त भेद, अव्यक्त भेद और कृत्रिम, ये 5 प्रकार के नाद बताए हैं उन्होंने, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त और कृत्रिम। इन 5 जो अलग अलग प्रकार के नाद बताए हैं उनके लिए कहा है उन्होंने कि जो सूक्ष्म प्रकार का नाद होते हैं वो गुह्य स्थान में प्रकट होते हैं, गुह्य से प्रकट होते हैं, गुह्य माने गुफा कहा जाता है, वैसे विवर भी कहा जाता है, विवर माने छेद हुआ, गुफा माने भी एक तरह से छेदी हुआ, तो वो हमारा आहार नाल का अंतिम हिस्सा हुआ, जिसको हम लोग जिसको शुरुआत में आगम के आधार पर कहा गया है अनाहत चक्र जो कहा गया, या अनहत चक्र जिसे कहा जाता है, जो हमारे सीने के बीच का हिस्सा होता है, हृदय स्थान, हृदय से थोड़ा नीचे वाला उर जिसको कहा शुरुआत में बताया, ये गुह्य स्थान हुआ। इसके बाद अति सूक्ष्म, वो हृदय से उत्पन्न होता है, वो मध्य भाग से हुआ हृदय। व्यक्त नाद, वो कंठ मध्य, कंठ से नहीं, कंठ ये वाला हिस्सा हुआ शुरुआती गले का, कंठ मध्य जहां पर ये गले का बीच का हिस्सा उठा हुआ होता है, ये कंठ मध्य कहलाता है, कंठ मध्य से। अव्यक्त तालु से, जो ऊपर का जो दांतों की रेखा है उसके पीछे वाला जो हिस्सा है वो तालु कहलाता है, जो छत है एक तरह से समझ लो मुंह की, वो तालु हिस्सा है। अव्यक्त नाद तालु से उत्पन्न होता है। और कृत्रिम नाद मुख के सभी अवयवों से, यानी दांत, ओंठ, जीवा, दांत, ओंठ और जीवा, इन 3 जगहों से, मुख से कृत्रिम नाद पैदा होता है।
बाकी सारे नाद जो पांचों नाद हैं वो गले और गले के नीचे के हिस्से से पैदा हो रहे हैं। इस तरीके से करके यहां तक उन्होंने बताने के बाद नाद को, अब नाद का चैप्टर क्लोज कर दिया और इसके बाद स्वर के बारे में चर्चा की है बृहद्देशी में मतंग मुनि में। अब मैं आधुनिक काल में हम लोग नाद को जिस तरह से पढ़ रहे हैं वो सबसे पहले पंडित शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ में 12वीं शताब्दी में बताया, 1247 के आसपास का, मतलब 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस ग्रंथ को लिखा गया है, 1250 से लेकर के 1299 के बीच में ऐसा माना जाता है। ये पंडित शारंगदेव कश्मीरी पंडित थे और आक्रमणों की वजह से वो कश्मीर छोड़ करके दक्षिण में आ गए थे और माना जाता है कि शायद रीवा नरेश के बारे में कहा जाता है कि उनके यहाँ वो दरबारी संगीतज्ञ बने और उन्होंने तब यह वहां पर ये ग्रंथ लिखा। तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, 7 अध्यायों का ग्रंथ है। नेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि संगीत के क्षेत्र में सप्ताध्यायी ग्रंथ किसे कहा जाता है। संस्कृत भाषा का आधारभूत ग्रंथ है अष्ट अध्यायी। पाणिनि एक ऋषि हुए हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था 8 अध्यायों का जिसे अष्टाध्यायी उन्होंने नाम दिया था। तो अष्टाध्यायी ग्रंथ जो है वो संस्कृत भाषा का बेसिक ग्रंथ है। ठीक उसी तरह से आधुनिक भारत में संगीत रत्नाकर को बेसिक ग्रंथ माना जाता है दक्षिण भारत में भी और उत्तर भारत में भी, और उसमें 7 अध्याय होने की वजह से उसे सप्ताध्यायी भी कहा जाता है। ठीक है, ये नेट में भी पूछ लेते हैं तो एमए के स्टूडेंट्स के लिए छोटी छोटी चीजें हैं, तो वो थोड़ा मैंने टॉपिक चट के बोल दिया है इसको जरा सा। तो संगीत रत्नाकर में नाद के बारे में ठीक वैसा ही है जैसा एमए के स्टूडेंट्स पढ़ के आ गए हैं। और अब मैं बीए के स्टूडेंट्स के प्रॉपरली शुरू कर रहा हूँ कि बीए के स्टूडेंट्स के लिए, और ये एमए का रिविजन भी हो जाएगा और बीए के बच्चों के लिए। नाद क्या चीज है? अभी तक तो सब लोग समझ गए होंगे वैसे, बीए के स्टूडेंट जो लोग हैं, कि नाद माने ध्वनि, साउंड, आवाज। ठीक है, शब्द भी कहा जाता है, पर्यायवाची के रूप में शब्द भी कहा जाता है, स्वर भी कहा जाता है, बाकी जितनी ध्वनि के हमने पहले पर्यायवाची शब्द बता दिए हैं ध्वनि के लिए, वो सारे शब्द इधर भी यहां पर भी प्रयोग हो जाते हैं क्योंकि नाद माने ध्वनि और ध्वनि माने नाद। ठीक है, तो नाद जो है वो ध्वनि है। ध्वनि दो प्रकार की बताई गई है, पंडित शारंगदेव जी ने बताई और उसके बाद हम आज भी वैसा ही पढ़ रहे हैं। तो अब जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे ये बात ध्यान में रखें बिल्कुल, कि आप लोग एग्जाम में भी जैसा अगर लिखने के लिए आता है तो आप लोग बिल्कुल ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, यही आपका टॉपिक हो जाएगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा ये। तो नाद जो है वो दो प्रकार के बताए गए हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद और अनाहत नाद, ये दो प्रकार के नाद बताए गए हैं। ठीक, अब मैं एक, अभी हमारी एक कैंडिडेट जुड़ी थी अभी थोड़ी देर पहले जिन्होंने प्रश्न किया था ध्वनि के बारे में, व्यक्त और अव्यक्त को बताने के लिए, प्लस अभी जो लास्ट में हमारे कैंडिडेट एक और जुड़े थे जोशी जी जो हैं, उन्होंने भी पूछा था कि नाद के बारे में मैं पूछने वाला था, आत्मनाद का शायद पूछ रहे थे। तो अब ये दोनों टॉपिक जुड़ जाएंगे यहाँ से। ध्वनि में व्यक्त और अव्यक्त जो चीज है, नाद में वही चीज आहत और अनाहत है। आहत नाद वो नाद है जो आघात करने पर, प्रहार करने पर उत्पन्न होता है। प्रहार दो प्रकार से किया जाता है, एक सतह और दूसरी सतह, दो सतहों को आपस में टकराकर, एक सतह को दूसरे सतह पर मारने को आघात करना या आहत करना या प्रहार करना कहते हैं। ठीक, और एक सतह को दूसरी सतह पर घिसने को घर्षण करना कहते हैं। तो ये दो ही क्रियाएं हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, तीसरी कोई प्रक्रिया या तीसरी कोई भी क्रिया सृष्टि में एग्जिस्ट ही नहीं करती है जिससे नाद उत्पन्न हो जाए। दो ही क्रियाएं हैं, एक आघात करना और दूसरा घर्षण करना। और आप लोग खुद भी अगर देखेंगे तो जब हम ताली बजाते हैं तो एक सतह से दूसरी सतह पर प्रहार करते हैं तो आवाज उत्पन्न होती है। टेबल के ऊपर भी हम अगर प्रहार करते हैं एक किसी एक चीज से दूसरी चीज पर तो आवाज पैदा होती है।
इसके अलावा आप लोगों ने खिलौने देखे होंगे या वायलिन देखे होंगे या ऐसी कोई भी चीज देखी होगी जिसमें एक चीज को दूसरी चीज पर घिसा जाए तो आवाज उत्पन्न होती है। तो दो ही क्रियाएं हैं ध्वनि को उत्पन्न करने की, घर्षण करना या प्रहार करना। तो घर्षण और प्रहार दोनों से ही क्रियाओं से जो नाद उत्पन्न होता है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे आहत नाद कहते हैं। ये बात सारे लोग क्लियर रख लेना, ठीक है। आहत शब्द में, आहत शब्द की उत्पत्ति हत धातु से होती है। हत माने प्रहार करना, हत शब्द से ही हत्या बना। हत्या में भी वही है कि व्यक्ति एक सतह से दूसरी सतह पर प्रहार करता है, इसीलिए उसको हत्या शब्द कह दिया गया। तो आहत शब्द, ये इसलिए मैंने इसलिए बोल समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप इसको नॉर्मल लाइफ की चीजों से भी जोड़ लें और आप लोगों को अलग से स्टडी करने की बजाय लेक्चर से भी आप अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आहत शब्द का मतलब है प्रहार करना, और प्रहार करने की दो क्रियाएं हैं, ये बात ध्यान में रखना। अब इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आप लोगों के उसमें भी लेकर जा रहा हूं कि जो लोग मीट मांस खाते हैं वो जानते होंगे कि दो ही क्रियाओं से हत्या की जाती है, झटका एंड हलाल। तो दोनों क्रियाएं वही हैं हत्या करने के लिए, दोनों क्रियाएं वही हैं, घर्षण या फिर प्रहार करना, आघात करना। तो ये आहत शब्द की वो हैं परिभाषाएं हैं, प्रहार करना या घर्षण करना। तो प्रहार और घर्षण से जो भी ध्वनि उत्पन्न होती है वो आहत नाद कहलाती है, और जो नाद बिना आघात के, अनाहत नाद है इसलिए बिना आघात के उत्पन्न होता है उसे अनाहत नाद कहते हैं। अब मैंने अभी थोड़ा सब लोग ध्यान रखिएगा, मैंने अभी कहा कि दो ही क्रियाएं हैं जिनसे नाद उत्पन्न होता है, घर्षण से या फिर आघात करने से। लेकिन अनाहत नाद के लिए कह रहा हूं मैं कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं और मैं वो चीज सुन करके आ चुका हूं, तो आप लोगों से पहले का स्टूडेंट हूं, थोड़ा सा कुछ साल पहले पढ़ चुका हूं, तो इसलिए वो चीज बोल रहा हूं कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे ऋषि मुनि बोल चुके हैं, कुछ भी मेरा नहीं है। जब दो ही क्रियाएं हैं तो ये कौन सा नाद हो गया जो इन दोनों क्रियाओं के बिना भी उत्पन्न हो जाता है? अनाहत, अनाहत शब्द जो बना है वो अनाहत दो शब्दों से बनकर के बना है, अन उसमें उपसर्ग लगा है और बाकी आहत शब्द ही है, तो वो उसका विपरीत अर्थक हो गया, जिसमें ना तो आघात हो न प्रहार घर्षण हो। तो ऐसा नाद आप लोगों ने बचपन में किसी ने कटोरी रखी हो कान में, या शंख कान में रखते हैं और कहते हैं कि भाई हमें समुद्र की आवाज सुनाई दे रही है, या फिर कभी आप लोग रात में सोते वक्त में आप गहरी नींद में सोए हुए हैं और अचानक आपकी नींद खुल तो जाती है लेकिन नींद नहीं खुलती है, आप जागृत हो जाते हैं और आपको सब जगह सन्नाटा है, सब सोए हुए हैं लेकिन आपको आवाज आ रही होती है घंटे बजने की, जैसे बड़े बड़े कुछ घंटे बज रहे हैं या छोटी छोटी घंटियां बज रही हैं या कुछ अंदर की कुछ आवाजें आती हैं, आसपास तो कोई घंटे बजा नहीं रहा रात के 12-1 बजे कोई, लेकिन आपको सुनाई दे रहा है, तो ऐसे या नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, इस तरीके की कुछ आवाजें सुनाई देती है, वो क्या चीज है? उसे ही अनाहत नाद कहा गया है। और इस अनाहत नाद को स्वयं भू नाद भी कहते हैं, स्वयं माने स्वयमेव अपने आप, भू माने प्रकट होना, स्वयं प्रकट होने वाला नाद, जिसको प्रकट करने के लिए न तो आघात की आवश्यकता होती है न ही घर्षण की आवश्यकता होती है, स्वयमेव उत्पन्न होता है। जो ऋषि मुनि लोग हैं, जो प्राचीन ऋषि मुनि लोग थे, जो सांसारिक जगत से विरक्त होकर के परमात्मा का ध्यान करते थे, वो इसी नाद की उपासना करते थे, यही नाद स्वयंभू नाद या यही नाद नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, जो शुरुआत में ध्वनि के बारे में बताते हुए बोला था, शब्द ब्रह्म, ध्वनि ब्रह्म, सॉरी नाद ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, ये सब जो शब्द कहे गए हैं वो इस अनाहत नाद के लिए ही कहे गए हैं। और जो बाकी संसार के जो जो भी क्रियाकलाप करते हैं हम, उसमें हम आहत नाद का प्रयोग करते हैं, हम इस नाद को दूसरे पर व्यक्त भी कर सकते हैं, आहत नाद को हम दूसरे को भी प्रकट करा सकते हैं। मैं जैसे बोल रहा हूं आप लोग सुन रहे हैं, जो मैं जो मेरी भावना है वो आवाज के माध्यम से मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, आप लोगों को वो सुनाई दे रहा है, ये आहत नाद है।
लेकिन अनाहत नाद मैं स्वयं में ही उसको अनुभव कर सकता हूं, आपको अनुभव नहीं करा सकता हूं। ये ठीक ऐसे ही है कि गुलाब जामुन भी मीठा है और रसगुल्ला भी मीठा है, लेकिन आप रसगुल्ला पसंद करते हैं या गुलाब जामुन पसंद करते हैं तो आप दूसरा खा दूसरी मिठाई खा करके पहली वाली मिठाई का टेस्ट नहीं ले सकते हैं। वो आपके लिए ही है, आप बता नहीं सकते कि वो कैसा मीठा है। आम खा करके आप गुलाब जामुन का टेस्ट नहीं बता सकते हैं, वो आप ही के लिए टेस्ट है। ठीक इसी तरह से अनाहत नाद केवल हमारे ही लिए होता है, जो व्यक्ति उसको जानना चाहता है केवल उसी के लिए होता है और कोई उसको बता नहीं सकता है, उसको व्यक्त नहीं कर सकता है। ये जो भावनात्मक बुद्धि और तार्किक बुद्धि, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। जब हम भावनात्मक रूप से मानने को तैयार होते हैं कि है कि नहीं है, तभी वो प्रकट होता है अनात्मा। अगर हम तार्किक बुद्धि से जानने की कोशिश करेंगे तो वो प्रकट नहीं होता है। तो खैर वापस आते हैं, आहतनाद और अनाहतनाद। अनाहतनाद क्योंकि हम दूसरों पर प्रकट नहीं कर सकते हैं और संगीत दूसरों पर प्रकट होने वाली विद्या है, तो इसलिए हम संगीत में अनाहत नाद को प्रयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें संगीत को दूसरों पर प्रकट करना होता है। अगर मैं गाना गा रहा हूं तो केवल अपने लिए नहीं गा रहा हूं, दूसरों को भी सुनाने के लिए गा रहा हूं, तो इसलिए हम अनाहत नाद को संगीत में छोड़ देते हैं। आहत नाद के ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि आहत नाद का ही हिस्सा, एक हिस्सा संगीत बनता है आगे जाकर। तो जो भी ध्वनि हमें अपने कानों से सुनाई देती है वो आहत नाद कहलाती है। क्लियर? ऐसी ध्वनियां जो सतहों के, दो सतहों के टकराने या घर्षण पर उत्पन्न होती हैं और दूसरे पर व्यक्त की जा सकती हैं, वो आहत नाद हैं। ठीक, आहत नाद के दो भेद हैं, एक कोलाहल और एक मधुर या संगीतोपयोगी नाद। हाँ, कोई बच्चा पूछ रहा है शायद, कुछ मोनिका भट्ट करके शायद कुछ पूछना चाह रही हैं आप। मोनिका भट्ट जो हैं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं थोड़ी सी देर रुक जाइए, मैं नाद का ये टॉपिक खत्म करने वाला हूँ, बहुत ब्रीफ करूंगा, कोशिश करूंगा इसको, उसके बाद आप इसको क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। जो लोग भी पूछना चाहें, खाली मोनिका भट्ट नहीं, जो भी पूछना चाहें पूछ लीजिएगा। दोबारा भी रिपीट कर दूंगा अगर किसी को कोई चीज छूट गई है तो, वो दोबारा भी हो जाएगा। तो कोलाहल और मधुर या संगीतोपयोगी नाद। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आ रही सर, आ रही। तो आहत नाद, आहत नाद के दो भेद हैं, कोलाहल और मधुर या संगीतोपयोगी नाद। ठीक, कोलाहल हुआ कर्कश ध्वनियां, जो भी ध्वनियां सुनने में अप्रिय हैं, जो सुनने में कानों को अच्छी नहीं लगती हैं, वे ध्वनियां कोलाहल की कैटेगरी में रखी जाती हैं और उन्हें संगीत से अलग रखा जाता है, संगीत में ऐसी ध्वनियों का स्थान नहीं है, इसलिए इनको भी छोड़ दिया जाता है। अब आ जाती है बात मधुर ध्वनियां या संगीत उपयोगी ध्वनियां या नाद। तो ऐसी ध्वनियां जो कानों को सुनने में मधुर लगे वो मधुर या संगीत उपयोगी नाद कहलाती हैं। अब संगीत जो विषय है, संगीत विषय में इस मधुर नदी, मधुर या संगीत उपयोगी नाद को ही नाद कहा जाता है। होने को तो अनाहत नाद भी नाद ही है, कोलाहल भी नाद ही है, लेकिन जब हम संगीत की बात करते हैं कि संगीत, अगर प्रश्न आप लोगों से कोई पूछे कि संगीत में नाद किसे कहते हैं, शब्द सुनिए, सॉरी प्रश्न सुनिए, संगीत में नाद किसे कहते हैं, तो वो अब यहां से शुरू होगा। लेकिन नाद किसे कहते हैं, तो नाद में आहत नाद, अनाहत नाद, कोलाहल, मधुर नाद, ये सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। तो संगीत में नाद जो है वो मधुर ध्वनियों को नाद कहा जाता है। ठीक, मधुर नाद जो है वो संगीत में दो इसके हिस्से हो जाते हैं, दो प्रकार के हो जाते हैं, स्वर और श्रुति। स्वर और श्रुति। श्रुति क्या है? जब हम एक सतह को दूसरी सतह पर टकराते हैं या घर्षण करते हैं तो जो पहला हिस्सा उत्पन्न ही होता है, जैसे ही उत्पन्न होता है, वो पहला हिस्सा श्रुति है। और उसी श्रुति में जब गूंज उत्पन्न हो जाती है, वो लंबी हो जाती है ध्वनि, तो तब वो स्वर कहलाती है। इसको ठीक इसी तरह से समझिए
कि जैसे घंटी है, घंटी के ऊपर हमने हथौड़ी मारी तो आवाज होती है टन। अब इसमें जो पहला टन पहला निकला वर्ण, जो पहले वर्ण प्रकट होते हैं वो श्रुति कहलाते हैं, लेकिन जब वो लंबी गूंज बन जाती है टन करके लंबा सा हो गया तो तब वो स्वर कहलाएगी, अन्यथा वो श्रुति ही रहेगा। है एक ही ध्वनि लेकिन उसके रूप अलग अलग हैं। तो स्वर इसके आगे मैं श्रुति, क्योंकि स्वर और श्रुति समझाने पड़ जाएंगे और वो टॉपिक में नहीं है, इसलिए मैं स्वर और श्रुति को तो छोड़ रहा हूं। नाद के जो विभाजन है, प्रकार है, वो यहीं तक बताए गए हैं। नाद के दो प्रकार, आहत और अनाहत। आहत नाद के दो प्रकार, कोलाहल और मधुर। मधुर नाद के दो प्रकार, स्वर और श्रुति। यहां तक आकर के नाद की सारी कहानी खत्म होती है, नाद यहीं तक है। जितना नाद शारंगदेव, पंडित शारंगदेव जी ने संगीत रत्नाकर में नाद के जो प्रकार हैं वो इतने बताए हैं, और इतने के बाद आज तक हम लोग वही चीज 12वीं शताब्दी से लेकर के आज हम 21वीं सदी में बैठे हुए हैं, कितने हो गए ये 900 साल हो गए हैं आज तक यही हम पढ़ते आ रहे हैं और इसी तरह से इसका व्यवहार कर रहे हैं, इसमें और कोई बदलाव नहीं हुआ। और इसके अलावा नाद में हम एक चीज और पढ़ते हैं, नाद के गुण। नाद में कुछ विशेषताएं भी होती हैं, ध्वनि में कुछ विशेषताएं भी होती हैं, साउंड में कुछ उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। ये हम इंडियन म्यूजिक की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न म्यूजिक की बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि वेस्टर्न म्यूजिक में भी उन लोगों ने एक्सेप्ट की हैं ये चीजें भिन्न नाम से अपने अपने हिसाब से, लेकिन वो हम बाद में कभी बात करेंगे। अभी पहले मैं भारतीय कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं। तो नाद में जो गुण हैं वो तीन प्रकार के गुण माने गए हैं, तीन गुण माने गए हैं। पहला गुण है तीव्रता, नाद का पहला गुण है तीव्रता। दूसरा गुण है तारता, तारता। और तीसरा गुण है जाति, नाद की जाति। ठीक है, नाद की तारता, नाद की तीव्रता, नाद की तारता और नाद की जाति, ये तीन गुण हैं किसी भी ध्वनि में, किसी भी नाद में ये तीन गुण होते हैं। अब ये गुण हैं क्या वो मैं समझा देता हूं। नाद की तीव्रता जो है, जैसा कि तीव्र कहा जा रहा है, इसको बड़ा या छोटापन भी कहते हैं। बड़ा और छोटा निर्धारित होता है एरिया यानी क्षेत्रफल के आधार पर। जब कभी कोई ध्वनि उत्पन्न की जाती है टकरा करके या घर्षण करके, वो तो क्लियर हो चुका है, मैं बार बार इस चीज को नहीं करूंगा, आगे सीधा शुरू करते हैं कि जो जब कभी कोई नाद या ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो जो उसका स्रोत है उस स्रोत से वो कितने क्षेत्र में गया, ये तीव्रता गुण होता है। अगर कोई ध्वनि उत्पन्न होने के बाद छोटे से क्षेत्रफल में, छोटी से एरिया में सुनाई दे रही है तो उसे छोटा नाद कहेंगे। ठीक, और जो बड़े वृहद क्षेत्र में, ज्यादा बड़े क्षेत्र में सुनाई देता है नाद, उसे बड़ा नाद कहा जाता है। जो ज्यादा क्षेत्रफल घेरता है उसे बड़ा नाद कहा जाता है। जैसे कि अगर हम एक छोटी सी घंटी, मतलब चलो बड़ा ही घंटा है, मंदिर में कोई बड़ा घंटा है उसमें हम छोटा सा प्रहार करते हैं तो वो थोड़ा सा दूर ही सुनाई देगा, हो सकता है मंदिर के अंदर तक सुनाई दे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर हमने उसी घंटे पर जोर से हथौड़ा मार दिया तो हो सकता है 4-5 पर्वत दूर भी सुनाई दे जाए, 1-1.5 किलोमीटर तक सुनाई दे जाए। तो जो कम दूरी तक सुनाई दिया, कम क्षेत्रफल घेरा जिस नाद ने, उसे छोटा नाद कहा जाएगा, और जो बड़ा क्षेत्रफल घेरेगा उसे बड़ा नाद कहा जाएगा। इस गुण को, नाद के इस गुण को तीव्रता कहा जाता है, नाद की तीव्रता। नाद की तारता दूसरा गुण है, नाद की तारता। नाद की तारता को ऊंचा नीचापन भी कहा जाता है। ऊंचा नीचापन, ऊंचा और नीचापन के लिए हमें धरातल चाहिए, लेकिन ध्वनि तो धरातल पर नहीं होती है। ध्वनि कोई मूर्त चीज तो है नहीं जिसे हम अलग अलग धरातल पर रख सकें। तो ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर में स्थान बताए गए हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न स्थान बताए हैं। तीन स्थान मुख्य रूप से बताए हैं, उर
उर हुआ ये स्थान हृदय से थोड़ा सा नीचे, उर। दूसरा हुआ कंठ और तीसरा है सिर। सिर, ये सिर का मतलब ये सिर नहीं है, सिर का मतलब यहां पर कहा जाता है दोनों भावों के मध्य, भ्रू मध्य, और इसके अलावा कानों के दोनों जो विवर हैं, छेद हैं, उनका मध्य। ये तीनों जाकर के जहां पर मिलेंगे वो वाला क्षेत्र सिर कहलाता है। नाद उत्पत्ति के लिए ये तीन स्थान बताए गए हैं, ठीक है। तो जो उर स्थान है ये नीचे का स्थान है, यहां से जो नाद उत्पन्न होंगे वो नीचे के नाद कहलाएंगे, ठीक। इससे ऊंचा नाद है कंठ, और कंठ से भी ऊंचा स्थान है सिर। तो तीन स्थान बताए गए हैं, तीन स्थान से अलग अलग तीन सप्तक उत्पन्न होते हैं, फिर उनसे सारो। तो सप्तक और स्वर तो नहीं पढ़ाए जाने हैं, नाद पढ़ाए जाने, इसलिए मैं वापस उसी टॉपिक पर आ रहा हूं। तो तीन स्थान हैं और तीन स्थान से तीन प्रकार के नाद उत्पन्न होते हैं, नीचे का नाद, बीच का नाद और ऊंचा नाद, ठीक है। नीचे नाद को मंद्र, नीचे शब्द, नीचा जो शब्द है वो हिंदी का शब्द है, इसके लिए संस्कृत में शब्द था मंद्र, नीचे के लिए शब्द है मंद्र, पर्यायवाची उसका। तो मंद्रनाद, मध्यनाद और तारनाद। स्थान तो तीन है लेकिन नाद दो ही प्रकार के होते हैं, मंद्र और तार। मंद्र तार क्यों कहा गया है, तीन नाद, तीन प्रकार के नाद क्यों नहीं गए, मतलब जो गुण है वो तीन प्रकार के क्यों नहीं गए तारता में, क्योंकि मध्य नाद जो है वो मंद्र नाद से ऊंचा है। तो दो ही स्थान हुए, ऊंचा और नीचा। इससे ऊंचा ये है, इससे नीचा ये है। सिर से नीचे कंठ, कंठ से नीचे, एक ही तरफ जा रहे हैं ना, नीचे या ऊंचा। तो दो ही नाद के गुण, ये तारता में दो ही गुण माने गए हैं, दो ही भिन्न भिन्न गुण माने गए हैं, ऊंचापन और नीचापन, ठीक है। नाद के जो तारता गुण है उसमें दो ही चीजें हैं, ऊंचापन और नीचापन, ये भी ध्वनि में गुण होता है। और इसके अलावा नाद की जाति, नाद की जाति कौन सा गुण है कि इसको पहले तो मैं मोटे तौर पर बता दूं कि आप अपने घर के अंदर हैं, आपके घर के बाहर एक पड़ोस के अंकल बात कर रहे हैं और एक आपके पिताजी बात कर रहे हैं। जो पड़ोस के अंकल बात, जो बात बोलते हैं, आप पहचान जाते हैं कि वो, बिना उन्हें देख करके पहचान जाते हैं कि ये बात अंकल ने कही, और आपके पापा ने कौन सी बात कही आप अपने पापा को बिना देखे पहचान जाते हैं कि वो आपके पिताजी ने कही। क्यों क्यों पहचान जाते हैं, क्योंकि उन जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उनके शरीर में, दोनों पुरुष हैं, दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं, दोनों एक ही लगभग कद काठी के हैं, लेकिन फिर भी उनकी आवाजों में अंतर है। ऐसा क्यों? ये नाद की जाति की वजह से होता है। शरीर में दांतों की बनावट, ओंठों की बनावट, ओंठ को जब आप मोड़ते हैं तो उसके बीच में जो धारियां बनती हैं, कट्स बनते हैं, उनकी बनावट, जिह्वा की मोटाई और लंबाई, तालू और मुंह के अंदर का क्षेत्रफल, कंठ की लंबाई, किसी की गर्दन लंबी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की मोटी होती है, किसी की पतली होती है, कंठ की मोटाई, वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड की मोटाई और लंबाई, सीने की लंबाई चौड़ाई और पेट की लंबाई चौड़ाई, जहां पर हवा एकत्र होती है और जहां पर वायु एकत्र होती है, ये जिस जिस आकार के होंगे ध्वनि भी वही रूप ग्रहण कर लेती है। अब इसको सिंपल भाषा में बोलता हूं, आपको साहित्यिक भाषा में बताता हूं कि ध्वनि जिस स्रोत से उत्पन्न होती है, जिस भी स्रोत से उत्पन्न होती है, उस स्रोत के गुणों को अपने अंदर ग्रहण कर लेती है। ये ध्वनि का गुण नाद की जाति कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल देने के लिए ठीक इसी तरह से बता रहा हूं कि आटा गूंथते हैं आप लोग घर में, आटा गूंथने के बाद अगर आप उसके ऊपर हाथ रख करके अपना, चार पांच लोग अलग अलग हाथ दबाएं, तो जिसका हाथ जितना मोटा और बारीक होगा उसी का छापा बनेगा, उंगलियों के बीच में से वैसा ही आटा निकलेगा ऊपर और छापा वैसा ही बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आटे में गुण है कि वो हाथ को पार नहीं कर सकता है, वो उनके बीच में जो छेद होंगे वहां से पार करेगा।
ध्वनि में भी यही गुण है, जैसा मुंह होगा, जैसा सीना होगा, गला होगा, पेट होगा, ठीक उसी तरह से उत्पन्न होगा। सिर्फ केवल मनुष्य के शरीर की ही बात नहीं है ये, ये बात वाद्य यंत्रों पर भी अप्लाई होती है। जितना लंबा तार होगा, सितार चार रखे हों, दो तानपुरे रखे हों, दस सरोद रखे हों, वीणा रखे हों, सब तार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन जो तार का इंस्ट्रूमेंट जैसा होगा और जिसकी तार की लंबाई जैसी होगी, तार की मोटाई जैसी होगी, वैसी ही ध्वनि उत्पन्न होगी। ये नाद की जाति के गुण की वजह से होता है। जिस स्रोत से नाद उत्पन्न होता है उस स्रोत के गुणों को ग्रहण कर लेता है नाद, ये नाद में गुण होता है, तो इस गुण को नाद की जाति कहा जाता है। तो नाद के तीन गुण हैं, नाद की तीव्रता, नाद की तारता और नाद की जाति, ये तीन प्रकार के गुण हैं नाद के, ठीक है। तो इस तरीके से करके नाद के तीन गुण हैं। नाद की तारता से ही, ऊंचे नीचे पन की वजह से ही संगीत के स्वर उत्पन्न होते हैं। सा स्वर नीचा है, रे स्वर ऊंचा है, गा और ऊंचा है, मा और ऊंचा है, पा और ऊंचा है, धा और ऊंचा है, नी और ऊंचा है, और तार सा और भी ज्यादा ऊंचा है। और ऊंचे स्वर जितने होते चले जाएंगे आपकी आवाज बारीक होती जाएगी, और जितने आप नीचे की तरफ जाएंगे उतनी भारी होती चली जाएगी। जो भारी आवाज है वो नीचे की स्थान से उत्पन्न होती है, जो पतली आवाज है वो ऊंचे स्थान से उत्पन्न होती है। इसीलिए जब आप चीख मारते हैं, पतली आवाज उत्पन्न करते हैं, तो वो आपके सिर में दर्द होता है, क्योंकि सिर के स्थान से उत्पन्न हो रही है। और जब आप किसी बड़े उम्र के व्यक्ति की या किसी बड़े उम्र के पुरुष की आवाज निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आप चीख नहीं मारते हैं, मोटी आवाज बनाने की कोशिश करते हैं, निचली आवाज को, पेट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, उर स्थान से उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां भारी आवाज उत्पन्न होती है। इसी तरह से जब आप सरगम गाते हैं, सा नॉर्मल आवाज है, सारे गामा पधानी सारे गामा पा, जितना ऊंचा जाते जाएंगे उतनी बारीक आवाज होती चली जाएगी। तो ये स्वर जो उत्पन्न होते हैं वो नाद की तारता के गुण की वजह से उत्पन्न होते हैं, स्वर और श्रुति, ठीक। और तीव्रता से काकु भेद उत्पन्न होता है, बड़ा और छोटापन, ये काकु भेद कहलाता है। काकु भेद का उल्लेख भरत मुनि ने सबसे पहले किया है अपने ग्रंथ में, और उसके बाद काकु भेद का उल्लेख बहुत कम लोगों ने किया है, थोड़ा सा दत्तिल मुनि ने किया है, बाकी आगे के ग्रंथकारों में थोड़ा सा भरत भाष्यम में भी दिख जाता है हम लोगों को, बाकी ज्यादा लोगों ने उस पर काकु भेद का उल्लेख नहीं किया है। काकु भेद पर अभी रिसर्च होनी बाकी है, काकु पर अभी रिसर्च किसी ने किया नहीं है, टॉपिक ओपन पड़ा हुआ है और बहुत विस्तृत तो नहीं है टॉपिक, बहुत ज्यादा विस्तृत तो नहीं है ये टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन फिर भी इस पर रिसर्च नहीं हुई है अभी तक। तो छोटी रिसर्चेस के लिए तो ये टॉपिक आप लोग आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाद में तीन गुण हैं, तीव्रता जिसको छोटा बड़ापन कहते हैं, और इससे काकु भेद बनता है आगे जाकर के। दूसरा गुण है तारता, ऊंचा नीचापन जिसको कहते हैं, इससे स्वर और श्रुतियां उत्पन्न होती हैं। और नाद का तीसरा गुण है नाद की जाति, जिससे भिन्न भिन्न आवाजों को भिन्न भिन्न रूप में पहचाना जा सकता है।